17 किलोमीटर एंड 26 मिनट। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितने मिनट में पहुँचता हूँ। तो 2 मिनट उधर का धरते हैं एंड प्लस यहाँ पर हम लोग आए हैं 14 पे, तो टोटल 15 मिनट में हम लोग पहुँचे हैं। 26 माइनस 15। हेलो भाई लोग, आगे न्यू व्लॉग के साथ। एंड आज के व्लॉग का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बेसिस पर है। तो भाई हर दम की तरह ये जो इंट्रो है आप लोग चाहते हो अगर चेंज करो तो मेरे को बता दिया करो, अगर बोर लगता होगा ठीक है। सो आप लोगों का ही चैनल है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। फिलहाल आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी भाई, मेरे लाइफ का एक अच्छा दिन था जो भाई कल था एंड मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर बनता है। सो फाइनली तुम्हारे भाई का पहला यूट्यूब पेमेंट आ चुका है भाई, एंड वो कितना आया है उसके लिए अगर वीडियो चाहते हो तो मेरे को बता देना, मैं भाई पूरा एक वीडियो बना दूंगा ठीक है, पूरा एक वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरा मोनेटाइजेशन कब हुआ एंड मेरा पेमेंट कब सक्सेस हुआ, मतलब पहली बार मेरा पेमेंट कब आया, वैसे तो कल ही आया वैसे, तो मतलब एक कैसे जर्नी रही, बहुत अच्छा सा एक बोलूँ तो मतलब एक अच्छा फील होता है कि भाई यूट्यूब से हम लोगों ने पहला यूट्यूब इन अर्निंग मतलब हम लोगों ने कर लिया, तो एक अलग सी प्राउड सी वाइब आती है, अच्छा लगता है थोड़ा। ये सब बात करने के लिए एक मस्त वीडियो बनाएंगे ठीक है भाई लोग। चलो भाई आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि भाई आप लोगों की सबसे प्यारी चीज़ कर दूं, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है जो मेरी बाइक में लगा है एक्रा पवी का एग्जॉस्ट। तो अगर उसका साउंड नहीं सुनेगा तो फ़ायदा क्या है फिर आज का वीडियो देखने का। तो एक अच्छा सा साइड में मैं मतलब एक अच्छी सी साइड देख के भाई मैं रुक जाता हूँ, डीवी कलर निकाल के लेते हैं उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई यहाँ पर रुकता हूँ एंड अपने बाइक का डीवी कलर निकाल लेता हूँ। ये है पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस नहीं नेशनल हाईवे सॉरी। तो चलो भाई यहाँ पर निकालते हैं अपना डीवी कलर। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हो जाएंगे भाई। मैंने लास्ट टाइम किया था ना ऐसे, तो एक बंदा आया मेरे पास रुका एंड बोला भाई कुछ हो गया है क्या तुम्हारे बाइक को, लाइक मदद करने के लिए रुकता, तो मेरे को थोड़ा शर्म आ जाता। मैं बोलूँ मैं थोड़ा इलीगल काम कर रहा हूँ इधर, वो लोग बोल रहे भाई इलीगल काम करने में कुछ मदद चाहिए क्या। चलो इसको फटाफट निकालता हूँ भाई लोग। आप लोगों का सबसे पहले साउंड चेक कराता हूँ, लेट्स चेक। हाय 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 हाय, डीवी कलर निकाल दो ना भाई। एक मिनट स्टैंड, तो साउंड चेक करो। ओहो लेट्स गो, तेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो हम लोगों को कहाँ जाना है एंड चेक करते भाई कितने मिनट में पहुंचेंगे ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। तो ये है अपना मैप एंड अपने को जाने जाने का भाई वाकड़, क्योंकि वहां पे आज खो खो के मैचेस है। सो फटाफट पहुंचेंगे एंड ये रहा वाकड़ चौक। एक सेकंड गाइस, सो ये रहा वाकड़ चौक एंड यहाँ पर जाने के लिए हमको लगेंगे, देखो भाई 17 किलोमीटर है 26 मिनट दिखा रहा है। ओके 17 किलोमीटर एंड 26 मिनट। सो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितने मिनट में पहुँचता हूँ, चेक कर लो एंड अभी मैं टाइम दिखाता हूँ आपको। टाइम हो रहा है 4:58, लेट्स गो। चार बज के 58 एंड दिखा रहा है कितना मिनट था गाइस, मैं भूल गया यार लाल कितने तो मिनट दिखा रहा था। अगर वीडियो में आप लोग चेक कर लेना कितने मिनट फास्ट आया हूँ, वैसे तो मैं वहाँ पर रुक के चेक कर लूँगा। दद्दो वाला फालतू चौड़ा हो रहा है। इवनिंग का टाइम है एंड बड़ा मजा आ रहा है भाई। एंड अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने गूगल मैप चैलेंज किया था लाइक उससे पहले एंड उसके बीच में बस ऐसे नॉर्मल एक वीडियो से डाल देते, बस रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने सोचा था कि डाल ही देता हूँ ठीक है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, गाड़ी को उतना पावर नहीं मिल पा रहा है।
मैं एक बात बताऊं तो भाई, तुम्हारे भाई ने एक माइक भी ले लिया माउनो का, माउनो AU 400, पता नहीं कुछ तो नाम है XYZ, बट देखते भाई जितना हो सके जल्दी उसको भी लगा के आपको साउंड चेक कराने के लिए लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब अपने पास माइक है तो फालतू भाई नया जो खरीद कर रखा है उसको थोड़ी यूज़ करेंगे, या फिर मैं उसको यूज़ करूँगा तो इसको बैकअप के लिए रख दूँगा, क्योंकि आपको पता है कब हमको न्यू माइक की ज़रूरत पड़ जाए, कब अपना माइक ख़राब हो जाए। सो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एज अ बैकअप मैं एक ना एक तो रखूँगा, क्योंकि ज़रूरी है भाई। ठीक है, मैं बकबक कर रहा हूँ, मेरे को निकलना है फटाफट। मैं बहुत ही स्लोली जा रहा हूँ, मतलब मैं पूरा उतना मूड में नहीं हूँ। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यू एक गलती है, सबके सब गिरेंगे, सबके सब। हाईवे ऐसा ही होता है। मैं दूसरे पे डाल लिया था गलती से गाइस, बहुत ज़्यादा वैसे ये गलत मूवमेंट था, इससे गेयरबॉक्स डैमेज हो सकता था, हम क्या करें, गलती हो गई। और देख रहे हो ट्रैफिक करके रखा, वो भी नेशनल हाईवे पे, वाओ। लेट्स गो। एंड मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में भाई मोशन ब्लर डाल दूं, क्योंकि मोशन ब्लर मैंने देखा आप लोगों को बड़ा पसंद आता है, एंड मेरे बहुत पहले के वीडियोस में रहते थे मोशन ब्लर, आजकल के वीडियो में तो नहीं, बट हाँ पहले रहते थे। सो डालूंगा, वैसे वो भी डालूंगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी लग रहा है मुझे। एंड वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है मेरे को कमेंट कर देना, पहले भाई मेरे को पहुँचने दो फटाफट। कंटिन्यूस 102 पे 103 पे हूँ भाई, एंड ये इंडिकेटर देख के आया, मेरे को दूर से ही डर लग गया भाई, शायद घुस ना जाए साला अपने अंदर। बस इतना याद आ रहा है कि भाई मतलब कितने बजे थे, 58 थे बता देंगे, हाँ 558 था आई थिंक, बस उतना ही याद आ रहा है मुझे। एंड कितने किलोमीटर, 26 मिनट एंड 17 किलोमीटर थे। ओके ओके, डन 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 भाई, मैं भूला नहीं हूँ। चलो थोड़ा देर बाद मेरी मेमोरी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स कर लिया मैंने भाई, पावर है अपने पास भाई। डोमिनार देखता भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वैसे। What happened भाई? देखो नेशनल हाईवे की हालत देखो, इसमें कैसे आदमी निकलेगा भाई, फटाफट रिक्स लेने का इस नहीं भाई ऐसे टाइम पर। भाई 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 कंट्रोल, शार को थोड़ा आराम से, मैं तो खुद तो निपटेगी, हमें भी निपटा देगी, शार को भी गाली दे रहे साला, कंट्रोल तू मुझे कर रहा है भाई साहब, सच में ऐसा लगता है नीचे से निकल लगी है। देखो ये देखो, वो 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 अगर RTO के गाड़ी ने देख लिया ना भाई अपनी बाइक, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं पूरा लीगल चल रहा हूँ एक हिसाब से, एंड दूसरे हिसाब से मैं पूरा इलीगल हूँ, तो
कॉम्बी है, कॉम्बी लाइसेंस है, मिरर नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ लीगल है तो कुछ इलीगल है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्बो। दुकानें तोड़ रही है ये, देखो अभी ये क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को ब्लॉग बनाना, थोड़ा सा गलत शिफ्टिंग हो गया भाई, इट्स नॉट सेफ फॉर इंजन यू नो। बकबक आज थोड़ा कम सुनो, गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा सुनो, ठीक है। देखो ट्रैफिक, देखो पहले सामने देखो, वाह बहुत अच्छा ट्रैफिक है भाई, वैसे आदमी पहुंच पाएगा, जस्ट टेल मी गाइस, टेल मी। ये इंडिकेटर देखो भाई, वो वो ये देखो क्या कर रहा है, देखो भाई चैलेंजेस एक अपनी जगह, मैं सच में बताता हूँ, मतलब मैं ऐसे सोच वोच करें अचानक से बोला आई नो, बट हाँ मेरे को सोचा, मैंने सोचा कि भाई बता दूँ, चैलेंजेस एक अपनी जगह बट अपनी सेफ्टी पहले, तो ट्रैफिक में हो सके उतना स्लो ही चलो भाई, चैलेंजेस होते रहेंगे ज़िंदगी भर, ज़िंदगी बहुत बाकी है अभी, तो बस खुला रास्ता मिले तो भगा लो भाई, क्योंकि खुले रास्ते में क्या होता है भाई, अगर गिर भी गए, इमेजिन अगर गिर भी जाते हो तो आजू बाजू से कुछ गाड़ियाँ नहीं रहती ना, तो गिर गए तो बस लगेगा, बट अगर पीछे से कोई गाड़ी चढ़ गई आप पे, लो भूलो मत, पापड़ बन जाएगा, पापड़ बोलना नहीं है, पापड़ बन जाएगा। एंड आई थिंक सो अच्छे खासे जगह पे पहुंच गए, शायद हम लोग जल्दी पहुंचे, फिर भी देखते हैं गूगल मैप को हमने कितना बीट किया, 26 मिनट दिखा रहा था, एंड अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो मैं वीडियो के एंड में करेक्ट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। देखो नेशनल हाईवे की हालत, एंड इस पर जो ट्रैफिक लगता है ना भाई, उसके बारे में तो क्या है बोलूँ, इतना मस्त ट्रैफिक लगता है, चुम्मा है भाई, पुणे मुंबई नेशनल हाईवे NH 48 है शायद, यह मेरे को ठीक से याद नहीं, नेशनल हाईवे 48, वेट मैं बताता हूँ आप लोगों को, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। वीडियो कर रहे हैं, आई डोंट नो मैंने कितना टाइम रिकॉर्ड कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम रिकॉर्ड कर दिया, बट वीडियो अगर ज़्यादा छोटी हो गई तो मज़ा आया होगा आई नो, फिर भी तो बस अपने को लाइक करने का भाई, सब्सक्राइब करने का एंड फॉलो करने का, सो देखते हैं कहीं पर मेंशन भी है कि नहीं, NH 48 है वैसे, ये मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा, बस इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। सो वाओ 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 गाइस, मैं पहुंच चुका हूं वैसे, तो मैं यहीं पर स्टॉप समझूं क्या समझूं मुझे नहीं समझ आ रहा, यानी ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी का हर दम का इधर पर ट्रैफिक, हर दम पता नहीं क्या इधर श्राप दिया है किसी ने, क्या दिया है कुछ पता नहीं, काटा था भाई, लेट्स गो, यहीं पे करते हैं स्टॉप, पता नहीं कितना टाइम हुआ है, लेट मी चेक, मैं पहले टाइम चेक कर लेता हूँ ताकि भाई अपने को स्टॉप करना जमे, तो जो भी रहेगा हम लोग वहीं पे देख लेंगे भाई कितने मिनट में आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो रहा सामने ब्रिज, अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है,
एक मिनट थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। एंड पहुँच ही चुका है तो मैं नहीं चाहता भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मैं अच्छे खासे टाइम पर पहुँच सकता था। मतलब एक तरह से देख लो कि मैं उतने टाइम में पहुँच सकता था, बट देख रहे हो ना ट्रैफिक तो वहाँ पर है। एंड टाइम मैं देख रहा हूँ भाई, मैं एक मिनट माइनस करूँगा ठीक है, मैं खुद के लिए एक मिनट तो बनता है भाई। देखो उतने देर से मैं टाइम पास करते आ रहा हूँ, बट मैं पहुँच गया रहता ठीक है। सो ऊपर देख सकते हो वो रहा, देखो वहाँ पे अगर दिख रहे हो तो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, हमको वहीं पे जाना है बस। जैसे मैं मोबाइल निकालने सोचा हूँ तैसे मोबाइल बोले तो गाड़ी आ रही है। तो ये देखा 5:14, अरे वो शायद 4:58 हुआ था ठीक है, 5:14 हो चुके हैं, 13 इधर पे ठीक है, 5:13। सबसे पहले ट्रैफिक से निकल के आपको मिलता हूँ ठीक है। A few moments later. So, वहाँ से आगे हम लोग यहाँ पे रुके हैं एंड वहाँ से देख लो भाई एक मिनट यहाँ पे देख लो भाई, वहाँ से जब हमने किया था वैसे ही पड़ा है, वैसे मैंने स्क्रीन लॉक कर दिया था बस। तो 26 दिखा रहा था एंड 17 ठीक है, 26 दिखा रहा था 17 के। और अपन लोग वहाँ पे 458 पे निकले थे, 58, 59 एंड 60, तो 2 उधर का धरते 58 ओके, फिर 2 वहाँ का एंड प्लस यहाँ पर हम लोग आए 14 पे, तो 13 ही धरता हूँ। मैंने बोला था ना कि ब्रिज बहुत ज़्यादा मतलब पास में ही, मैं पहुँच सकता था 13 पे बट ट्रैफिक की वजह से ठीक है। तो टोटल 15 में हम लोग पहुँचे और 26 माइनस अगर 15 करो तो 26 माइनस 15, 11 पहले तुम्हारा भाई पहुँच गया, मतलब 11 तुम्हारे भाई ने बचा लिया कुछ, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है ठीक है। मैं खुद को ज़्यादा खास नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ये सब ट्राई मत करो, मैं बस कंटेंट के लिए भाई ये सब करता हूँ। तो आप लोग बैठ कर देखो क्या करना है आप लोगों को ये सब करके ठीक है। 17 वो भी 15 में, सो अच्छा ही राइड किया मैंने। बट मैंने जैसे बताया सेफ्टी फर्स्ट भाई, एकदम ध्यान से एंड जब ही खुला रास्ता दिखा तभी चलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है। अदरवाइज ट्रैफिक में देखा हमने, मैं धीरे ही चला रहा था, कुछ कुछ बातें भी की हम लोगों ने, उसमें भी थोड़ा टाइम गया, ज़्यादा नहीं गया। चलो ठीक है, आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को फॉलो कर देना, भाई लोग अपने भाई को ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग वीडियो तक देखने के लिए। सो चलो भाई मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।